हिट फिल्म मेरी है निरोवा चल ससुराल, गंगा तोरो देश में, वाह खिलाड़ी वाह, बाजीगर डंका, जिद्दी, साथिया, जो जीता हुआ सिकंदर, कल्लू दुल्हनिया, ऐसे बहुत सारी पिक्चर मेरी है। मेरी शादी हुई थी उस वक्त हमने कंप्रोमाइज़ किया था कि जब तुम लड़ोगी तो मैं छत पर चला जाऊँगा और जब मैं लड़ूंगा तुम छत पर चले जाना। उस शादी के साल से आज तक मैं छत पर ही खड़ा हूँ। मैं इनको प्रेशर दिया हूँ कि मुझे जोड़िए। ये स्वाभिमान की बात है कि मैं आरजेडी में हूँ, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो पार्टी में भी लोग हैं तो उनसे हम लोग राय लेके ही चलेंगे, आशीर्वाद लेके चलेंगे, करेंगे उन्हीं के काम, लेकिन हम लोग का पावर रहेगा, ये चीज़ ताकत रहेगा। नीतीश जी की आवाज़ को नहीं बोलता है, लालू जी की आवाज़ बोलता है लोग। अच्छा, स्टेज पर हम कलाकारों की भी, हाँ आवाज़ की बात बता रहा हूँ, मिमिक्री लालू जी की जाती है। एक ऐसे नेता बिहार के हैं जो कि वर्ल्ड इनका मिमिक्री करता है, और फिल्म स्टार में शत्रुघ्न सिन्हा और हमारा भोजपुरी में आनंद मोहन भैया, ये तीन ही कलाकार ऐसे हैं जिसकी आवाज़ की मिमिक्री की जाती है, बाकी किसी की नहीं की जाती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए इस वक्त आरजेडी कार्यालय में मैं हूँ और आरजेडी कार्यालय में लगातार युवा जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं, यह देखने को मिल रहा है। चलिए एक दृश्य आज जो मुझे देखने को मिला कि भाई भोजपुरी कलाकार भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एक कॉमेडियन, काफ़ी अच्छे कॉमेडियन हैं, सुपरस्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि हर बड़े बड़े जो हीरो हैं उनके साथ ये काम किए हुए हैं। राहुल श्रीवास्तव जी है ना, मुंबई से आ रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार प्रणाम। आप कॉमेडियन हैं, मतलब आरजेडी में ज्वाइन करना? आरजेडी में ज्वाइन करना चूँकि मैं तो बहुत दिन से ही जुड़ा हुआ हूँ और माननीय लालू जी का मैं ज़बरदस्त फैन रहा हूँ और समझिए को भी कलाकार ही हैं। तो जबरदस्त फैन रहे हैं तो थोड़ा सा लालू जी के ही अंदाज में ये नहीं, मैं तो मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ नहीं। अच्छा, मैं तो मिमिक्री वाले मेरे भैया बोलते थे लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। फैन अलग होता है और उनको ऑब्जर्व करना अलग। मुझे लगा कि कुछ ऑब्जर्व किया। नहीं नहीं, मतलब उसकी जो जैसे बोलते हैं सोचता हूँ उसी तरह एक्टिंग भी करूँ मैं। कौन कौन सी मूवी में आप? मेरी फिल्म में हिट फिल्म मेरी है निरोवा चल ससुराल, गंगा तोरो देश में, वाह खिलाड़ी वाह, बाजीगर डंका, जिद्दी, साथिया, जो जीता हुआ सिकंदर, कल्लू दुल्हनिया, ऐसे बहुत सारी पिक्चर मेरी है, 100+ मेरी पिक्चर है। आप कॉमेडी करते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी करके देखिए। कॉमेडी करके क्या बोलूँ, जब मूवी का ही कॉमेडी थोड़ा सुना दीजिए क्योंकि जनता तो नहीं। मूवी का कॉमेडी अलग होता है मैडम, वो सिचुएशन नहीं बन पाता है। ऐसे बोल रहे आप भी शादी हो गई तो पत्नी किसी को होंगी आप, ऐसी बात नहीं है, मैं भी किसी का पति हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना तो उससे हम लोगों ने कंप्रोमाइज, बगल में एक रविंदर भैया रहते हैं, बोलते हैं कि राहुल जी आपके यहाँ झगड़ा कभी होता नहीं है। तो बोला घर में आके देखिए, तो हाँ घर में तो देखता हूँ आप तो हमेशा बहुत आप लोग मेल मिलाप है। बस जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त हमने कंप्रोमाइज़ किया था कि जब तुम लड़ोगी तो मैं छत पर चला जाऊँगा और जब मैं लड़ूँगा तुम छत पर चले जाना। उस शादी के साल से आज तक मैं छत पर ही खड़ा हूँ। अच्छा, मतलब आप छत पे ही खड़ा है जी। बाल बच्चे हैं कि नहीं? हाँ बाल बच्चे हैं, मेरा बेटा है अभी एज ए हीरो। मैडम छत पे खड़ा है? हाँ तो छत पे क्या करेगा, एज ए हीरो लॉन्च हो रहा है ये फिल्म में। आपके बेटा भी है जी, अभी प्लस टू किया है। हीरो भी लॉन्च हो रहा है प्लस टू में जी? कहाँ पे, कौन सा फिल्म के साथ? अभी इसकी फिल्म अनाउंस तो नहीं बोलनी चाहिए, नाम तो नहीं, कयामत नाम है फिल्म का और इसके डायरेक्टर है अजय कुमार जी, डायरेक्टर हैं। अभी इसकी कहानी चल रही है, चूँकि अभी 17 साल में है, 20 सितंबर से 18वां चढ़ेगा तो इसको फिर मेन हीरो नहीं नहीं मेन हीरो में एज ए हीरो। हीरोइन कौन है भाई? अभी हीरोइन का चयन चल रहा है अभी। जी जी। अच्छा एक और चीज़ है, आरजेडी में आप आए हैं, कैसे इसको बढ़ाना है भाई, यहाँ से मुंबई लेके जा रहे हैं इनके लालू जी के? नहीं मुंबई में तो ऑलरेडी संस्था बनी हुई है, मुर्तजा भाई देखता है वहाँ, मेरा दोस्त है, मैं भी 2009 से ही जुड़ा हुआ हूँ मुंबई में, महाराष्ट्र प्रदेश में ही था मैं, लेकिन जब मेरी मुलाकात नीरज भाई से हुई, आई है नीरज जी थे, तो मैं इनसे बोला, पता चला कि ये आरजेडी से हैं, तो मैं उस वक्त से इनको टोटसा करने लगा कि भाई टोपी पहना दी है आपको? नहीं टोपी नहीं पहना है। ये आरजेडी पता नहीं कि जो जहाँ पे रहता है जुड़ने के लिए, भाई आ जाइए इसमें जुड़िए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं इनको प्रेशर दिया हूँ कि मुझे जोड़िए। ये स्वाभिमान की बात है कि मैं आरजेडी में हूँ, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा अब चुनाव आने वाला है, बताइए चुनाव से पहले आप जुड़े हुए हैं, अच्छा कॉमेडियन है, चुनाव आने वाला है, गायक लोग जुड़ता है तो भाई प्रचार करता है गागा के, अब आप कैसे प्रचार? मैं अनाउंसमेंट करके बोलूँगा, हाँ बोलूँगा भाइयों बहनों आप लोग देखिए आपके चुनाव में मैं आया हूँ, मेरे लिए आप कम से कम इन लोगों को वोट दीजिए और अच्छी सरकार बनाइए, लालू जी आपको सबका कल्याण करेंगे। और किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं? आगे बढ़ें, जितना युवा शक्ति जो है, युवा जितने लड़के लोग हैं, युवा ही आएंगे ना, अब बुजुर्गों का जमाना रहा नहीं।
बुजुर्गों का जमाना नहीं रहा। हाउ यू आर? आरजेडी वाले देखिए बुजुर्ग सब सुन रहे हैं, आ जाइए इधर, आइए आइए। आप बिना गार्जियन के आपको नहीं, नहीं गार्जियन अलग होता है, युवा नहीं, हमारी बात पहले सुनिए, युवा शक्ति, जब तक युवा पावर नहीं देंगे तो जिसे माँ बाप बुढ़ा जाते हैं तो बाल बच्चे में सहारा होता है ना, वही है, गार्जियन तो है ही लेकिन सहारा तो बच्चों को बनना पड़ेगा ना। हाँ तो अब तो दादा परदादा हो गए लोग, तो फिर युवा ही शक्ति करेगा भाई, खटिया तो बच्चे को उठाना है। बात सही है, मनोबल सबसे ज्यादा युवा का बड़ा हो रहा था, ये नहीं कि भाई बुजुर्ग का जो सोच होता है भाई वो तो डायरेक्शन आप लोग दीजिएगा ही, लेकिन कभी कोई एज में तो थक ही जाना है ना, ऐसा होता ना कि किसी शादी में एक बुढ़े को जाना जरूरी होता है, काम उनका कुछ नहीं होता है। जरूर जाते हाँ, हाँ, बुढ़े बुढ़े लोग जरूर जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से राय लोग लेता है, तो पार्टी में भी लोग हैं तो उनसे हम लोग राय लेके ही चलेंगे, आशीर्वाद लेके चलेंगे, करेंगे उन्हीं के काम, लेकिन हम लोग का पावर रहेगा, ये चीज ताकत रहेगा। और भी लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं? देखिए जिनका स्नेह प्यार है हमारे राजद परिवार से वो जरूर ज्वाइन करेंगे, और राहुल जी बहुत पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं, मतलब अभी के समय से नहीं, 2009 से जब आदरणीय लालू जी की सरकार थी उस वक्त से ये सदस्य रह चुके हैं, तो इनका प्रेम स्नेह शुरू से रहा है, और जिनका प्रेम और स्नेह यहाँ बिहार के वासियों से होगा ना वो ऑटोमेटिक ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। आप बोले कि लालू जी एक खुद कलाकार हैं, उनकी मतलब वो देखकर क्या देखकर आपको लालू जी का ये चीज पसंद पड़ा? आज बिहार में बिहार से किसी की आवाज़ गूंजती है तो लालू जी की, तरुण सिन्हा का, नीतीश जी की आवाज़ को नहीं बोलता है, लालू जी की आवाज़ बोलता है लोग। अच्छा, स्टेज पर हम कलाकारों की हाँ आवाज़ की बात बता रहा हूँ, मिमिक्री लालू जी की जाती है, एक ऐसे नेता बिहार के हैं जो कि वर्ल्ड इनका मिमिक्री करता है, और फिल्म स्टार में शत्रुघ्न सिन्हा, और हमारा भोजपुरी में आनंद मोहन भैया, ये तीन ही कलाकार ऐसे हैं जिसकी आवाज़ की मिमिक्री की जाती है, बाकी किसी की नहीं की जाती है। हाँ बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो आरजेडी में लोगों का जुड़ना बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और भोजपुरी के सुपरस्टार भाई कॉमेडियन भी यहाँ पर आके जुड़ गए हैं। चलिए अब देखते हैं आरजेडी वाले और आगे कितना बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो उसमें ये किस तरह से आरजेडी को मदद करते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।